चोरी के सामान के साथ 7 चोर गिरफ्तार। गिरिडीह में 28 फरवरी की रात हुई चोरी का नगर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में घटना को अंजाम देने के आरोपी के साथ साथ चोरी का सामान खरीदने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने 4 दिन पूर्व हुई चोरी की घटना का खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने आजाद नगर निवासी आरोपी पंकज हाणी के साथ चोरी का सामान खरीदने के आरोपी बीबीसी रोड निवासी दीपक पंडित को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। 28 फरवरी को हुई थी वारदात। दरअसल 28 फरवरी की देर रात आजाद नगर निवासी अनूप सिन्हा के घर में चोरी हुई थी। चोरों ने LED जेवरात समेत कई सामानों पर हाथ साफ किया था। इस मामले को लेकर अनूप के चाचा हरीश कुमार सिन्हा के आवेदन पर 2 मार्च को नगर थाना में FIR दर्ज की गई थी। इस FIR के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी। चोरी का सामान बरामद। पुलिस को 6 मार्च को यह पता चला कि इस घटना को अंजाम देने में पंकज हाड़ी का हाथ है और वह चोरी के जेवरात को खपाने धनबाद जा रहा है। सूचना के बाद स्टेशन रोड में छापेमारी कर पंकज को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से चोरी के जेवरात बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पंकज ने बताया कि उसके साथ चोरी में देवा हाड़ी भी शामिल था। ऐसे में देवा के घर पर छापेमारी की गई तो उसके यहाँ से भी जेवरात की बरामदगी की गई। पूछताछ में पता चला कि उसने चोरी के बाद LED टीवी को बीबीसी रोड निवासी दीपक पंडित के पास 3000 में बेचा है, जिसके बाद दीपक पंडित के यहाँ छापेमारी की गई और उसके घर से LED टीवी को बरामद किया गया। RN चौधरी, थाना प्रभारी नगर, गिरिडीह। किससे? संतोष तिवारी के साथ।